इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट चखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के 43वें जन्मदिन पर बहरोड के कैलाश अस्पताल में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ अलवर के पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव ने किया। इस मौके पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य एडवोकेट बस्तीराम यादव, पूर्व उप जिला प्रमुख सरोज यादव भी मौजूद रहे। क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में लोगों और कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। प्रेरणा देते हैं और राजस्थान में ये एक ऐतिहासिक शुरुआत है। रक्तदान शिविर पहले भी होते रहे हैं लेकिन बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश के अंदर 200 विधानसभाओं के अंदर मिला करके लगभग 400-500 कैंप्स लगे होंगे और बहुत अच्छा युवाओं का रिस्पॉन्स है और मैं समझता हूँ कि एक कीर्तिमान होगा। कम से कम 50,000 से ज़्यादा ब्लड इकट्ठा होगा तो देश में भी इसका संदेश जाएगा कि अगर युवा तय कर रहे हैं तो रक्त की कमी नहीं रहेगी। इसी तरह से बड़े नेता के जन्मदिन पर जनता आगे बढ़ करके और अपना कर्तव्य निभाती रहे तो देश के अस्पतालों को रक्त की कमी नहीं रहेगी। कोई आदमी रक्त की कमी से अपनी जान नहीं देगा। सचिन पायलट साहब की प्रेरणा रही है, उनका जन्मदिन है, उनको बधाई देते हैं, उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। देखिए, जहाँ तक रक्तदान की जरूरत की बात है, निश्चित रूप से आज रक्तदान की आवश्यकता है और हमको नौजवान साथियों से अपील करते हैं कि साल दो साल में एक बार जरूर हर व्यक्ति को, हर नौजवान साथी को रक्तदान करना चाहिए क्योंकि रेल हादसे, सड़क दुर्घटनाएँ, बीमारियाँ, कैंसर, महामारी, डिलीवरी, आए दिन इन बीमारियों में व्यक्ति को खून की आवश्यकता पड़ती है। सचिन पायलट साहब के जन्म दिवस पर आज ये प्रदेश भर में जो रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं निश्चित रूप से नौजवान साथियों के लिए प्रेरणा का विषय है और सचिन पायलट साहब के आह्वान पर आज प्रदेश में मैं समझता हूँ कि 50,000 से ज़्यादा नौजवान साथी रक्तदान यूनिट दान करें, बहुत बड़ी बात है। मैं आज यहाँ सुबह से देख रहा हूँ कि हमारे इस इलाके में भी बहुत बड़ी शुरुआत है और ये आज रक्तदान का अब तक का मैं समझता हूँ कि शायद एक दिन का रिकॉर्ड तोड़ने का फैसला हो गए। मैं आज इस रक्तदान शिविर में भाग लेने वाले सभी नौजवान साथियों का उज्ज्वल भविष्य की और उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूं और सचिन पायलट साहब को उनके 43वें जन्मदिवस पर बधाइयां देता हूं। शाहजहाँपुर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक पिकअप में लगभग 108 पेटी अवैध शराब की भरी थी उसको जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया। पुलिस की यह बड़ी कार्यवाही नीमराणा DSP लोकेश कुमार मीणा के नेतृत्व में की गई। पुलिस को और भी उम्मीद है कि इस शराब तस्करी में बड़े गिरोह का हाथ हो सकता है। मेरे को सूचना मिली मुख्य गिरोह द्वारा कि एक अवैध शराब से भरी पिकअप इधर से निकलने वाली है। मैं तुरंत मौके पर पहुंचा, नाकाबंदी करवाई। शाहजहाँपुर टोल पर हमने जैसी हमें सूचना थी उस हिसाब से सभी गाड़ियों को चेक करते हुए निकाला तो हमें लगभग 9 बजे के आसपास एक पिकअप जिसका RG 14 3816 नंबर थी उसमें अवैध शराब मिली। एक ड्राइवर, अकेला ड्राइवर उसको चला रहा था जो कि विष्णु सैनी नाम बताया उसने, बड़ोद का निवासी, बहरोडी थाना क्षेत्र का वो है। उस पर मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई जारी है, पूछताछ करना बाकी है। हमें उम्मीद है इसमें और भी बड़े गिरोह को खुलासा होने की संभावना। पिकअप में हमने चेक किया 70 पेटी तो बियर थी किंगफिशर ब्रांड से, बाकी करीब 38 पेटी विस्की की थी जिसमें कुछ हाफ और कुछ क्वार्टर की पेटियां थी। टोटल कुल मिला के 108 पेटियां हमने जब्त की। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।
इस बुलेटिन के प्रायोजक थे संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव।